पूरे देश के साथ असम में भी कोविड से मौतों के आंकड़ों में भारी बदलाव आया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोविड से मौतें भी उसी रफ्तार से बढ़ी है जिस तरह से नए मामले। गुरुवार को असम में सर्वाधिक 26 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि अपनी तरफ से राज्य सरकार स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। असम में कोविड से हो रही मौतों के आंकड़ों में लगातार हो रहा इजाफा। 24 घंटों में 26 लोगों की गई जान। स्थिति से निपटने की स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जोरों पर। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बनी हुई है। इधर असम में पिछले 24 घंटों में 3,079 लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इस वक्त विभिन्न प्रांतों में कोविड की भयावहता जारी है। डिब्रूगढ़ में 1,722 कोविड मरीज इलाजरत हैं। कामरूप में 1,699, नौगांव में 1,069, बरपेटा में 791, शोणितपुर में 714, जोरहाट में 695, नलबाड़ी में 658, कोकराझार में 389 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। हालांकि राज्य के विभिन्न प्रांतों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कामरूप मेट्रो में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। प्रशासन की सख्ती और नाइट कर्फ्यू के फैसले का असर यहां दिखने लगा है। लेकिन कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या में आ रहे उछाल ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राज्य में गुरुवार को 26 लोगों की कोविड से मौत हुई, जिनमें से 15 कामरूप मेट्रो से थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हेमंत विश्व शर्मा ने मृत्यु दर में हो रहे इजाफे पर चिंता व्यक्त किया और बताया कि इस संदर्भ में आज और कल ऑडिट बोर्ड की बैठक होगी। गुवाहाटी मेडिकल कलेजर लगते नार्सिंग होम ये गोटेखी मिली जो कल 26 डेथ आसे जदि संख्या चाँ पार्सेंटेज हिसाब से बहुत संख्यार कथा नु 26 डेथ साधारण कथाओ नो जथेष बेसि मैं धारणा करूँ। आम डेथ ऑडिट बोर्डर मिटिंग आज और कल हम और किहर कारण मानुर मृत्यु आसे ये विषय आम सूक्ष्मभवे आज कल जो कल आरम्भ आज पर्यालोचना हम और आम पर्यालोचनार पिछत आपल कौन नार्सिंग होम कि ढुक से मेडिकल कलेज कि ढुक से कारण आम कि भाई अपनी संकट की इस घड़ी में राहत की बात यह है कि असम में कोविड वैक्सीन की किल्लत नहीं है। इस वक्त राज्य में 7 लाख वैक्सीन मौजूद है और अगले 1 से 2 दिनों में नए सिरे से पंजीयन कराने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन भेजने वाली है। 1 लाख वैक्सीन स्पर्श गई और वैक्सीन भाण्डार तो प्राय 7 लाख वैक्सीन केंद्रीय सरकार वैक्सीन कम्पनी कथ पाती है राज्य हिसाब आबल्टन कर दी दिले आम कनि लगे आजी गधुलिलके किबा निर्देश आहिबो एनुका मय धारणा करिसु। देश के दूसरे राज्यों की तरह असम में ऑक्सीजन का अभाव ना हो, इसके लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग दिन रात लगा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। आज MMCH में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि असम के अलावा देश में और कहीं भी ऑक्सीजन के 11 प्लांट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने साथ ही कहा कि सिलचर मेडिकल कॉलेज में अगले 1 से 2 दिनों में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाएंगे। महेंद्र मोहन चौधरी चिकित्सालय जिखन अमार कोविडर कारण आटाइटक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी आहिसे ए महेंद्र मोहन चौधरी हॉस्पिटल आजिर पराटा निजा ऑक्सीजन प्लांट होल ए ऑक्सीजन प्लांटेदि 0.9 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिने इयारपरा उत्पादन हब और जदि 0.9 मेट्रिक टन माने कि बुली जदि आमी धरु तेतला 100टा सिलिंडार जाम्बो सिलिंडार बुली आमी जाक क 100टा जाम्बो सिलिंडार समान ऑक्सीजन ई दिबो पारे। जुआकाली आमार डिब्रुगढ़ मेडिकल कलेजत
আমি দুটা অক্সিজেন প্লান্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ। আগত আঠটা আছিল, আঠে আৰু দুয়ে দহটা হ'ল, আৰু আজি এই প্লান্টটো উদ্বোধন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এঘাৰ নম্বৰ অক্সিজেন প্লান্ট নিজৰ হ'ল। মই ভাবোঁ যে আজি অসমৰ বাদে ভাৰতৰ ক'তো নিজাকৈ এঘাৰটা অক্সিজেন প্লান্ট আজিৰ দিনত ক'তো নাই। অহা দুদিনৰ ভিতৰত, 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আৰু দুটা আমি আৰম্ভ কৰিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ।